हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके सामने मुमताज़ ब्लॉगर आज एक नई रेसिपी के साथ आई हुई हूँ, क्योंकि आज ठंड हो रही थी। आज मन किया कि कुछ एक नई रेसिपी बनाई जाए जो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो मैंने आज गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ, गजरेला जिसको कहते हैं, गजरेला। और मैं अपने ही स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, जिसको एक इजी वे में दिखाऊंगी आपको कि कैसे बनाना है। आप इजी तरीके से बिना खोए के साथ आप बना सकते हो घर में, टेस्टी और लजीज। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं गाजर का हलवा। तो दोस्तों देखो, अब हमने ये गाजर, लच्छेदार गाजर कद्दूकस कर ली है। तो ये देखो, छोटे छोटे लच्छेदार की तरीके से काटी हुई है, ताकि इसको बॉईल करके भी बना सकते हो वैसे, पर लेकिन आपको एकदम जैसे कि हलवाई रेस्टोरेंट वगैरह का टेस्ट आएगा इसमें, इसलिए हमने इसको लच्छेदार काट लिया। देखो, 2 किलो गाजर को हमने ये ले लिया है। इसको कद्दूकस करके पहले ही रखा हुआ था, ताकि वीडियो में जो बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और उसके बाद हमने ये ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, काजू ले लिए, बादाम ले लिए हैं, ये मूंगफली ले लिए। इसको मैंने धोकर रख दिया, अच्छे से भिगो के रखा हुआ था, ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए। और ये किशमिश है, और ये दरदरी कटी हुई मेरी इलायची है, जिसको मैंने बिल्कुल ही मतलब कूट के कुंडी में कूट के रख दिया है, ताकि इसको टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। इसको पत्तों के साथ ही डालिए, क्योंकि पत्तों में ज़्यादा खुशबू होती है इलायची के, जो कि उसमें डलेंगे तो और ज़्यादा खुशबू देंगे। कुछ लोग तो फेंक देते हैं, पर इसको फेंकना नहीं चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और हमने बिना खोए की जगह हमने ले ली है मलाई, 1 कटोरी मलाई जो हमने इकट्ठी की हुई है। अभी हम इस मलाई को भी ऐड करेंगे इसमें। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम ये काजू और ये बादाम और थोड़ी मूंगफली को इस कुंडी में कूट लेंगे, ताकि ये थोड़ी सी दरदरी हो जाए और ज़्यादा टेस्ट आता है। मिक्सी में भी कर सकते हो आप, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ब्रीक हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसमें करते हो तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से। तो चलो इसको थोड़ा सा कूट लेते हैं हल्का हल्का। दोस्तों देखो, मैंने इसको दरदरा कूट लिया है, तो इसी तरह आपने भी कूट लिया है। वैसे तो आप मिक्सी में या आप किसी भी चॉपर में चॉप कर सकते हो, वैसे मुझे तो पसंद है, क्योंकि मैं ज़्यादा करके ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैंने इसको देखो मूंगफली और काजू को भी कर दिया, और ये बादाम को भी कर दिया। हल्का हल्का ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे, इनको इकट्ठा कर देंगे। ये हमने इकट्ठा कर दिया। ये इकट्ठा करके रख दिया अब हमने। अब हम आगे की रेसिपी स्टार्ट करेंगे बनाना। तो दोस्तों देखो, हमने एक पतीला ले लिया है, अब इसको गैस पे रख दिया हमने। तो अब हमें क्या करेंगे, इसमें घी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से घी ऐड कर सकते हैं, आपको जितना लेना है। मैं तो इसमें घी ऐड कर रही है, देखो ये घर का बना हुआ घी है, आप देख लेना। आपको दोस्तों जितना अच्छा लगे उतना ज़्यादा घी रख सकते हो। मुझे तो घी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हलवे में घी ना हो तो मज़ा नहीं आएगा, तो मैंने इसमें घी ऐड कर लिया है। अब घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। देखो अब घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने गाजर घिसी हुई है, उस गाजर को इसमें डाल देंगे। देखो सभी गाजर को इसमें ऐड कर देंगे जितने भी हैं। देखो इसको, गाजर को इसमें ऐड कर दिया है, इसको हल्का हल्का चला दूंगी मैंने फिलहाल। तो दोस्तों इसको हल्का हल्का चला देना है, और साथ में ही इसके साथ ही हमने ऐड कर देनी है ये पिसी हुई इलायची, ताकि ये इसमें अच्छे से पक जाए और खुशबू छोड़ दे। तो बस दोस्तों इसको ऐसे ही चलाते रहना है, और इसी तरह इसका पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा गाजर का, तो वो पानी को पूरा सोख लेगी। और साथ में हमने ऐड कर देनी चीनी, ताकि चीनी का भी जो भी पानी है वो निकल जाए और अच्छे से सूख जाए। हल्का चला देना है,
और फिर इसको लो फ्लेम पे छोड़ देना ताकि इसका धीरे धीरे पानी निकलना शुरू हो जाए। इसको तब तक पकाते रहना ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए और ये पूरे पानी को सोख ले। तब तक इसको ढक के रख लेते हैं हम लोग, ऐसे ढक के रख लेना है। फिर इसको थोड़ी देर के बाद देखेंगे जब इसमें पूरा पानी सूख जाएगा। अभी इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया है। तो दोस्तों इसको ना थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे हम, देखते रहेंगे कि ताकि ये नीचे ना लगे। और देखो इस हलवे ने पानी छोड़ दिया है। अब ये जैसे जैसे गाजर पानी छोड़ती जाएगी ये पकता जाएगा और ये पानी सूख जाएगा। सूखने के बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। जब तक ये पक रहा है तो हम इसको ढक के रखेंगे, तब तक हम दूध गर्म कर लेते हैं। तब तक दोस्तों हमने ये देखो 2 किलो दूध हमने गरम करने छोड़ दिया है। जब तक दूध गरम हलवा पक रहा है तब तक पानी सूखता है, तब तक दूध गरम हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। चलो देखते हैं दोस्तों ये पक चुका है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो ये अच्छे से पक चुकी है गाजर, बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसे ऐसे चलाएंगे थोड़ी देर तक। देखो ये बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब ये हमने दूध लिया था, ये 2 किलो दूध इसमें ऐड कर देंगे। देखिए दोस्तों अब हमने इसमें 2 किलो दूध ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, कम से कम इसको आधा घंटा इसी तरह पकाते रहेंगे ताकि ये सारा का सारा दूध सूख जाए और जो गाजर में थोड़ी बहुत कसर बची वो भी पक जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरह। इसमें खोए की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आप मलाई, मैंने जो ये रखा हुआ है 1 कटोरी मलाई, इसको मैं बाद में ऐड करूंगी। जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा दूध तो मैं ये मलाई ऐड करूंगी, ये खोए का काम करेगी। तो दोस्तों अब हम इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे आधा घंटा तक, बस ऐसे पकता रहेगा ये और ये खुद ही पक के दूध पूरा सूख जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा। तो हम इसमें फिर मेवे ऐड करेंगे। पहले मेवे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो टेस्ट ख़त्म हो जाता है मेवों का, तो इसलिए इसको थोड़ा आधा पकने पर मेवे ऐड करेंगे। तो चलो फिर इसको बंद करके रखते हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं, ये देखिए ये आधे से ज़्यादा पक चुका है, काफ़ी ज़्यादा दूध इसमें सूख गया है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे ताकि वो भी थोड़े थोड़े पक जाएं। तो अभी ये हमने लिया हुआ था ना काजू, बादाम और मूंगफली के दाने, इनको पीस कर मतलब हमने वो कर लिया था। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर लिया और साथ में हम ये ऐड करेंगे चिलौंजी। ये चिलौंजी बहुत अच्छा टेस्ट देती है तो इसको चिलौंजी को ऐड कर देंगे। और साथ में ऐड करेंगे हम ये बारूदा, ये घिसा हुआ बारूदा है ये नारियल का, इसको हम ऐड कर देंगे। और आप चाहो तो और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो अपने मुताबिक, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, अपने हिसाब से डाल सकते हो। वैसे इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमने इसमें दूध में ही पकाया है। तो अब हम डाल देंगे 1 कटोरी मलाई, जो कि हमने इसमें खोआ ऐड नहीं किया तो हम इसकी जगह मलाई ऐड कर देंगे। ये अच्छे से हमने साफ कर लिया इसको, अब ये मलाई हमने ऐड कर दी है और अब हम इसे चला देंगे। ये मलाई इसमें खोए का काम करेगी और ये इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगी। ये देखिए अब हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको
बंद करके धीमी आंच पर छोड़ देंगे थोड़ी देर तक, ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। दोस्तों ये देखो हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। बस देखो ये अच्छे से पानी भी सूख गया है इसमें। बस इसको थोड़ी देर तक ऐसे चलाएंगे और बस फिर गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और ढककर रख देंगे। तो दोस्तों ये देखो अब हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे और देखो किशमिश ऐड कर दिया हमने। चाहो तो आप थोड़ा सा इसमें घी की अगर कमी आपको दिख रही है तो आप थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हो, मतलब ऊपर से हल्का सा घी ऐड कर दो, इससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अब ये देखिए ये हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। तो चलो अब इसे निकालते हैं कटोरी में। ये हमारा गाजर का हलवा बन के रेडी हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हमारा खूबसूरत ये हलवा तैयार हो गया है और ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अभी हम इसको इसी तरह फ्रिज में लगा देंगे और ये ठंडा होने पे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। गाजर का हलवा हमेशा थोड़ा ठंडा करके ही खाएं, क्योंकि ठंडा करके ही इसका टेस्ट आता है, ज़्यादा गरम गरम खाने में इतना टेस्ट नहीं आता इसमें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।